पटियाला हाउस कोर्ट ने आज शुक्रवार को निर्भया केस के चारों दोषियों को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सभी बताएं कि वो कोई अर्जी लगाना चाहते हैं या नहीं। कोर्ट ने अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 दिसंबर को करेगा। संसद में महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इस बीच गोडसे की पूजा करने के मामले में मध्य प्रदेश की ग्वालियर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी हिंदू महासभा के कार्यकर्ता हैं। आरोपियों का नाम नरेश और पवन है। उन्होंने 15 नवंबर को हिंदू महासभा कार्यालय में पूजन किया था। ये कार्यालय दौलतगंज में है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को ऐलान किया कि दिल्ली सरकार चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम की शुरुआत करने जा रहा है। इस स्कीम के तहत वकीलों के वेलफेयर के लिए काम के लिए किए जाएंगे। इसका योजना का बजट तकरीबन 50 करोड़ रुपए तक तय किया गया है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अपनी पहली आधिकारिक विदेशी यात्रा पर भारत दौरे पर हैं। शुक्रवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जिससे आतंकवाद से लेकर व्यापार समेत हर मुद्दे पर चर्चा की। साझा प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत हर रूप में आतंकवाद का विरोध करता है और उसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इस लड़ाई में भारत श्रीलंका के साथ रहेगा। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 2022 तक की समय सीमा तय की है। जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने गुरुवार को लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में कहा गया कि 305 परियोजनाओं की अनुमानित लागत के लिए 28,613 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, जिसमें से 109 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया, जबकि बाकी परियोजनाओं का किसी न किसी स्तर पर काम जारी है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद अब शिवसेना की नजर बीजेपी शासित गोवा पर है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति खत्म हो गई है, अब हमारी नजर गोवा की राजनीति पर है। हम पूरे देश में गैर बीजेपी मोर्चा बनाना चाहते हैं। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हो गई है, अब हमारा ध्यान गोवा पर है। गोवा के बाद हम पूरे देश में फ्रंट बनाएंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल के खिलाफ इंदौर की कोर्ट में 10 लाख रुपए के चेक बाउंस का केस दर्ज हुआ है। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर अमीषा पटेल के खिलाफ नोटिस जारी कर 27 जनवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए आदेश दिए हैं। अमीषा पर आरोप है कि उन्होंने इंदौर की एक युवती से फिल्म प्रोडक्शन के नाम पर 10 लाख रुपए लिए थे और फिर जो चेक उन्होंने दिया वह बाउंस हो गया है। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने एक और बड़ी सफलता हासिल कर ली है। दरअसल फोर्ब्स की द रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट में मुकेश अंबानी दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अहम बात यह है कि मुकेश अंबानी ने गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सर्गे ब्रिन को पीछे छोड़ दिया है। यहां बता दें कि इस साल की शुरुआत में फोर्ब्स की ओर से जारी 2019 के अमीर लोगों की सूची में मुकेश अंबानी 13वें स्थान पर थे। अनगिनत यादें देने वाले अमिताभ ने हाल ही में अपने ब्लॉग के जरिए हिट दिया कि शायद वह रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। माना है कि इस वक्त ब्रह्मास्त्र फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं और इसके लिए वह मनाली पहुंचे हुए हैं। अपने ब्लॉग में उन्होंने लिखा कि मुझे यहां इस छोटी सी खूबसूरत जगह पर गाड़ी से पहुंचने में 12 घंटे लगे। तो ऐसे ही हर रोज की फटाफट खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए नेशनल 18 न्यूज को और साथ ही बने बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेगा।